A cylinder of length L and radius R has its axis coincident with the x-axis. Suppose ये y और ये x-axis. तो एक सिलेंडर है जिसका एक्सिस x-axis के साथ coincident है, मतलब दोनों के एक्सिस क्या है, सेम. x-axis भी वही और सिलेंडर का एक्सिस भी सेम. सिलेंडर की लेंथ L है और रेडियस है R. नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज 200 न्यूटन पर कूलम अलोंग x-axis. इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड 200 न्यूटन पर कूलम. द फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट एंड ऑफ द सिलेंडर, जो लेफ्ट एंड है ये सरफेस, जो फ्लैट सरफेस है, केवल इससे बताना है फ्लक्स. अब इसका एरिया वेक्टर तो आउटसाइड परपेंडिकुलर होता है सरफेस के और आउटवर्ड. सो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना, 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री. या आप ऐसे भी कह सकते हैं फील्ड लाइन जो इनसाइड जाती है क्लोज सरफेस के लिए उसके लिए माइनस में, और जो आउटसाइड आती है उसके लिए प्लस में होता है. सो फ्लक्स इज इक्वल टू ई एस कोस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड 200, एरिया पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर, और कोस 180, कोस 180 माइनस 1, सो माइनस 200 पाई आर स्क्वायर, माइनस 200 पाई आर स्क्वायर. ठीक है ना, बिना कैलकुलेशन के भी कर सकते थे. ये जीरो है, जीरो है नहीं, लाइंस पास करेगी. ये दोनों प्लस है, वो पॉसिबल है नहीं. प्लस तब होता है जब लाइंस आउटसाइड आती है, यहां पर तो लाइंस इनसाइड जा रही है तो माइनस होगा. तो माइनस में केवल ये डी ऑप्शन ही दिया है. तो बिना किसी कैलकुलेशन के भी आप आंसर बता सकते हो.